बहुत अच्छा सा मौसम है और बहुत मज़ेदार सी इस वक्त रेसिपी बनाने का दिल चाह रहा है, तो चलें किचन की तरफ चलते हैं। लंच में बघारे बैंगन बन रहे हैं हमारे पास, सो उसकी हम रेसिपी आपको दे रहे हैं। इसमें मैंने तीन इंग्रेडिएंट्स सॉटे कर लिए ऑलरेडी, मूंगफली, सफेद तिल और खोपरा। सो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। हो गया सॉटे, हो गया मे बी 2 मिनट हमने इसको किया। पैन में हमने ऑयल रखा है और हमने छोटे साइज के एग प्लांट को इस शेप में काट लिया है। इसको हमें फ्राई करना है इन सारों को। सो घी हमारा अच्छा सा गर्म हो चुका है और इस पैन में हम ये तो हमें सारे ये हम थोड़ा सा ऑयल डाल के इसमें हमने मेथी दाना 1 टेबलस्पून और ये 4-5 ड्राई चिली। सो ये क्रैकल होने की आवाज आ रही है आपको मेथी दाना। और इसमें हमने 1 टीस्पून सौंफ और हमने साबित धनिया, वो भी इसमें जरा भुना जाएगा। इसी के साथ हम 2 चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 की भी आंच हमने बढ़ा दी है और मसाला की भी आंच हमारी बढ़ गई है। अब इसी के साथ हमने देखे इसमें आपको दिखाया था जिंजर गार्लिक और सौंफ और साबित क्या कहते हैं धनिया, जो मसाले डाले हैं। उसके बाद हम करी लिए दिस अमाउंट, हरी मिर्चों का पेस्ट 3 चमचे, हल्दी 1 टीस्पून, मिर्च 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून और इन सबको मिक्स कर देंगे। तो मैं बंद कर देती हूँ और इसका लेट भी इधर रख दिए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम अभी हमने नमक नहीं इसमें ऐड किया, अभी हम 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर रहे हैं। अभी इसमें खट्टी चीजें डल रही हैं, वो अभी इमली डलेगी और इसमें अदरक का पानी ऐड करें, इससे जो है कि मसाला भुन जाएगा अच्छा सा, मेबी 4-5 मिनट। इतनी देर में हमारे बैंगन भी रेडी हो जाएंगे और हम इसको ब्लेंडर, जो मिनी ब्लेंडर है हमारा सिर्फ मसालों का, उसमें डाल के तो इसको पीस लेते हैं। ठीक है, ओके, ये आई थिंक हमारे बैंगन या मेबी हो गए, चेक। अब इसकी हीट बंद कर दी है मैंने, ये हो चुके हैं और ये जो करी भी है वो भी रेडी है। इसमें मजीद चीज़ें डल जाए देन वी ओके। देखिए ये ऐसी शक्ल इसकी बड़ी खूबसूरत सी हो गई है। तो इसमें हमने अभी तली हुई प्याज जो हमने अभी अभी तली है, 1/2 के करीब मीडियम साइज़ की आधी प्याज, और ये थोड़ा सा गुड़ है, यू कैन ऐड ब्राउन शुगर ऑल्सो, बट हमको जो है वो गुड़ की गुड़ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और ये जो हमने अभी 3 इंग्रेडिएंट्स पीसे हैं,
मूंगफली और खोपरा और सफ़ेद तिल, वो हमने जो पीसा है वो इसमें चला गया। 2-3 ग्रीन चिली, 5 मिनट मोर कुक करते हैं। और उसके बाद जितनी देर में हम बैंगन निकाल लेते हैं अलग। ये देखे मैंने सारे जो फ्राइड थे एग प्लांट बैंगन वो सारे अलग निकाल लिए, बिल्कुल घी, कोशिश की है कि घी ना जाए। और ये घी चूंकि बहुत गर्म है इसको मैं लेट बंद करके अलग रखती हूँ। अब ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है मसाला, तो इसमें हम बस लास्ट जो है वो इसमें देखिए मैंने इमली भिगा के रखी थी, ये इमली इसमें मैंने डाल दी है। इसको मैंने पेस्ट नहीं बनाया, वो थोड़ा सा मोटा मोटा इसको कूट के और पानी में भिगा दिया, बस और कुछ भी नहीं किया। अच्छा, इसमें हम पानी वही इमली के पॉट में थोड़ा सा लेके पानी, तो हमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, बस ज़्यादा नहीं बैंगन को पकाने के लिए। बैंगन थोड़े 75% पक चुके हैं और बाकी के गरम हैं, सो मैं ज़रा ऐसे ही डाल देती हूँ दूर से। ये देखें बाकी जो है, ओ हो, बाकी सब फर्स्ट क्लास है कसम से। ये सॉन्ग सुना आपने वो इस वक्त ये मेरा दिल चाह रहा है कि मैं, खैर गाना तो बहुत ही बुरा गाती हूँ, यहाँ पर बज रहा हो गाना के बाकी सब फर्स्ट क्लास है। ओहो, अब इसको बस मैं 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच में रख रही हूँ, जस्ट 5 मिनट, नॉट मोर देन 5। सो मिलते हैं आपसे, ठीक है? शो टाइम, लंच टाइम हो रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, इसलिए मुझे जल्दी थी कि आप सबको ना जल्दी से दिखा दूं और फिर मैं अपना खाना खाऊं जाके। मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती तो स्किप करती हूँ, तो लंच जल्दी कर लेती हूँ। अब इसमें मैं थोड़ी सी ग्रीन चिली एंड फ्रेश करियंडर, सो दिस इज बघारा बैगन।